यहां नहीं, कहीं और जाके पैसे डिवाइड करो। 10, 20, 30। पद्मा बस अभी आती ही होगी। 50, 60, 70, 80। अरे हटाओ ये पैसे। भेजे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पद्मा कभी भी आ सकती है। टोटल 1 करोड़। ओके, करोड़ बैग के अंदर डाल दो। आपको ये कैसे पता था सर? क्या पता था? आपको कैसे पता था कि बैग में एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए हैं? ऐसे गेस किया था। अब मैं समझ गया सर कि आपका ट्रांसफर कैसे रुका। डोंट टॉक रविश। हो सकता है आपको प्रमोशन भी मिल जाए। स्टॉप इट। और कौन कौन शामिल है इसमें? विजय प्लीज। एमएलए रवि, होम मिनिस्टर, आप और कौन है? शट अप, शट अप। ऐसे तुम्हें कितना चाहिए ये बताओ? 2 करोड़, 3 करोड़। मतलब 15 को टेरर अटैक कंफर्म होगा। 5 करोड़। मैं अपने आका से बात करूंगा। और लोगों का क्या सर? लोगों का मतलब? बॉम्ब ब्लास्ट में मासूम लोग भी मारे जाएंगे, उनका और उनकी फैमिलीज का क्या होगा सर? उस दिन तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, पूजा के साथ कहीं चले जाना। तुम पर कोई लेकिन मेरा जमीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पहले ही आपकी वजह से मैं गलती कर चुका हूँ। मेरे पापा के दोस्त का बेटा मर गया, माँ बाप से अलग रहकर लावारिस की जिंदगी जी रहा हूँ मैं। फिर से 1 करोड़ की रिश्वत लेके मैं पहले वाली गलती दोबारा दोहराने जा रहा हूँ। देश सेवा के नाम पर देश को खोखला कर रहे हैं आप। हैट्स ऑफ सर। विजय, ये बात हमसे तुमसे बड़ी है। वतन से भी बड़ी है क्या? हमें अपनी सैलरी लोगों के टैक्स से मिलती है, हमें बड़ा हमारे माँ बाप करते हैं, तो इनसे बड़ा ये नया कौन आ गया सर? पड़ोसी देशों से आए आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों को हम देशद्रोही कहते हैं। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ऐसे इंसान को आप देश से बड़ा मानते हो? एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे कौन है मुझे नहीं जानना। मुझसे अनजाने में गलती हो गई, जानबूझकर मैं पाप नहीं करना चाहता। मेरे लिए मेरे देशवासी और मेरा देश सबसे बड़ा है। आप या फिर वो एमएलए या फिर कोई और ही क्यों ना हो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बॉम्ब तो दूर की बात है, मैं एक छोटे से पटाखे को भी नहीं फटने दूंगा। एंड दिस इज फाइनल। सॉरी विजय। वाह 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 वाह, क्या बात है। सोशल वर्क करना कोई इस औरत से सीखे। तुम चुप क्यों हो? ऐसे ही सर। तुमने तो कहा था वो विजय पैसों के आगे झुक जाएगा। एक्चुअली विजय को एमएलए रवि को पैसे देने थे सर, मुझे लगा वो सूटकेस के पैसे देखकर बात मान जाएगा। उफ़, मार डाला। डांस हो तो ऐसा। इसके साथ मैं हीरो का रोल करना चाहता हूँ, पर ये सोच के ट्राई नहीं किया कि मेरे आगे इसकी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी। हाँ, शर्मा रहे हो? जिसने की शर्म उसके पूटे करम, वो भी सिल्क स्मिता का ऐसा डांस देखने के बाद। हाँ वो करीम हाथ लगा या नहीं? अभी नहीं सर। वैसे इस फिल्म का नाम क्या है? मेरे हिसाब से अंतम। हिसाब से नहीं, अंतम ही है। पर मैं इस फिजूल बात का जिक्र यहाँ क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, पर तुम्हें पता होना चाहिए। सुनो, पता लगाओ विजय ने प्लास्टिक सेट को कहाँ छुपाया है। यस सर। सर, ये डीसीपी को कहाँ भेज रहे हैं? और इंस्पेक्टर विजय ने किसी को कुछ बताया तो नहीं? आपने उसे खत्म कर दिया, वो मर गया ना? सारा स्टेट जानता है कि मैं गधा हूं, तो अब लोगों को गधे की सवारी कराऊं? टेंशन में मेरी हालत खराब हो रही है। क्या ब्यूटी है, इसे देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। छी, क्या होता है ये बताने में शर्म आ रही है। हाँ, अरे रवि, वो विजय 1 नंबर का जिद्दी है, कुछ बकेगा या नहीं? हम तो उसकी जान बख्शना चाहते हैं, पर दिल्ली वाले शुक्ला जी कहते हैं उसको हम सीधा ऊपर पहुंचा दें। मार डालो उसे। अब दिल्ली से आए तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। विजय का खेल खत्म कर दो, ठीक है ना? विजय, विजय उठो। विजय, प्लास्टिक सेट को कहां रखा हुआ है बताओ, किधर है? प्लास्टिक सेठ को भी मारने का प्लान है। कालू को मार डाला,
करीम पर अटैक किया और अब प्लास्टिक सेठ को मारना चाहते हो। इन तीनों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? आज तक मुझे टेररिस्ट पर डाउट होता था, अब से तुम पर है। आखिर बात क्या है? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं बता सकता। मुझे बस तुम्हें रोकने के लिए कहा गया है। वो मुझे क्या रोकेंगे? रोकूंगा तो मैं उन्हें, सबकी खाल उधेड़ दूंगा। विजय, विजय प्लीज यार, बता दो कि प्लास्टिक सेट कहां है, बता दो और तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। प्लीज। अब तक लगता था कि आपकी तरह मैं भी पुलिस वाला हूं, पर सच यह है कि सिर्फ मैं पुलिस वाला हूं। मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करते हो। पागल कहीं का? छे! कौन है बेटू? दो टेबल चढ़ा रहे। बोल साहब, ये हमारे गांव का बच्चा है, नाम है सुलेमान। इसको काम समझा देना। आओ साहब। ले जा अंदर। क्या हुआ तेरे को, भूख लगी है क्या? आजा आजा, शिवा होटल में पार्टी दे रहा है। बुला ले, सारे गांव को बुला ले। हाँ, जेब में पैसों की फैक्ट्री लगी है ना। हेलो माता, पार्टी कैंसिल हो गई। बैठ बैठ जा, यहाँ पानी बहुत अच्छा मिलता है। अरे छोटो। हाँ साहब। चार ग्लास पानी ला। वो टेबल पर बैठो ना साहब, ये टेबल रिजर्व्ड है। अबे क्या यार, ये कोई फाइव स्टार होटल है क्या? वो टेबल पर बैठो ना जी, इधर रोज कस्टमर आता। प्लीज जी। अबे तेरी हर जगह पे आरक्षण है। अरे छोटो। हाँ साहब। इधर आ। हाँ बोलो साहब। हाँ साहब। अबे वो कस्टमर तो हमारे बाद आया ना, तो तू पहले उसका ऑर्डर कैसे लेके आ गया? सर उन्हें डेली एक बजे आकर खाके जाता ना साहब। मजबूत टिप मिलता होगा ना तेरे को। अपनी भी ऊपर की कमाई हो जाती। अच्छा, ना एक काम कर, चार बोतल पानी लेके आ जा। और हाँ, बर्फ मार के। हाँ ओके सर। यार तंदूरी मंगा ना। हाँ मंगा दे। तुम्हें क्या चाहिए? नहीं और कुछ नहीं सर। खाने की बात नहीं कर रहा, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? डीसीपी सर ने मुझे बोला था सर। मैं तुम्हारी पोस्टिंग विजय के पुलिस स्टेशन में कर रहा हूं, वो मेरे फैमिली मेंबर जैसा है, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है।
उसका ठीक से ख्याल रखना। टेंशन इस बात की है कि कहीं पैसों के लिए वो फिर से कोई गलती ना कर दे। तुम मुझे विजय की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे। और होटल में जो ड्रग डील हुई थी? एक्चुअली मेरा बर्थडे मार्च में आता है सर, पर मैं सारे लोगों को झूठ बोलकर वहां ले आया। डीसीपी सर ने आपको पैसे जब्त करने के लिए बोला और मुझे आपको फॉलो करने को। मुझे आइडिया नहीं था वो मुझे ऐसे फंसाएंगे। वैसे फिलहाल वो कहां पर है? सिर्फ 4 दिन की बात है सर, प्लीज घर लॉक कीजिए और हमारे साथ चलिए। उससे कहो मिनिस्टर और पैसे उसी को मुबारक हो। हमें समाज से भाग कर जीने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इनकी बात तो सर। खाना खाकर जाना। विजय किधर है? पता नहीं सर। विजय किधर है? तुम्हें शायद उसके बारे में पता हो, बोलो। वो नहीं मिला तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। तुम उसे बचाना नहीं चाहते हो क्या? सच में नहीं पता सर। वो तुम में से किसी के कांटेक्ट में नहीं है? तुम में से किसी से नहीं मिला? तुम लोग नहीं बताओगे। उसने तुम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। डैम इट। अरे भाई जरा गाड़ी रोक, चाय पीते हैं। आजकल लोग एक क्वार्टर के लिए मर्डर कर देते हैं, बिरयानी के एक पैकेट के लिए एसिड से हमला कर देते हैं। वैसे तुम लोगों के धंधे में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। वो चिल्लर लोग हैं गुरुजी। सच में? मैं जब एमएलए था तब तुम भी चिल्लर ही थे। 10 खून करने के बाद एमएलए बनने के लायक बने, और मिनिस्टर बनने के बाद मैंने तुम्हें एमएलए बनवाया। तुम मेरे पुराने चेले हो इसलिए तुम्हें झेल रहा हूँ अब तक। विजय को इस बार टपका दूंगा गुरुजी। मैंने तुम्हें उसे किसी अनजान जगह बांधने के बाद मारने को कहा था लेकिन तुम फेल हो गए। वो छूट गया है और अब हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। अगर तुम विजय को मार नहीं सकते हो तो मुझे अभी बता दो, मैं कुछ नए गुंडों का बंदोबस्त कर दूंगा। आजकल के लौंडे गन को पेन की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको ये काम सौंप दूंगा, तुम वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो। क्या हुआ जी? अरे सुनो, आजकल मैं तुम्हें कुछ कमजोर लग रहा हूँ क्या? नहीं तो? तो फिर गुरुजी मुझे रिटायर होने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर नए गुंडों ने विजय को मार दिया तो तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा।